मालवी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान लापता, साथ में सवार थे 9 लोग। यमन में बड़ा हादसा, प्रवासी नाव पलटने से 38 लोगों की मौत, 100 लोग लापता। तीसरी बार फुल रफ्तार सुबह सम्मान निधि की किस्त जारी, अब पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर देने की आई बारी। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भारत को पहुंचना है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ के पहले दिन पीएमओ स्टाफ से की चर्चा। सुरक्षा मामलों की अहम समिति में बदलाव नहीं, रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय भाजपा के ही पास। मंत्रियों सांसदों के खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार कर रही भाजपा, योगी ने खुद लिया फीडबैक। भारतीय सेवा ने लॉन्च किया विद्युत रक्षक जनरेटर के लिए एक तकनीकी इनोवेशन। शेख हसीना से सोनिया गांधी ने की मुलाकात, राहुल और प्रियंका भी रहे मौजूद, गले लगा कर किया गर्मजोशी से स्वागत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।